हेलो दोस्तों, नमस्कार, और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बताएंगे आपको पांच ऐसे शेयर्स जो कि इस वक्त जल रहे हैं, यानी कि फाइव बर्निंग शेयर्स जिन्होंने निवेशकों के पैसों को बुरी तरह से बर्बाद किया है। और इन पांचों शेयर्स में जिन निवेशकों ने पैसा लगाया था उनको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कौन से ये पाँच शेयर से, पूरा वीडियो देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि अब आगे इन पाँचों शेयर्स में क्या पोजिशंस रहने वाली हैं, क्या इनमें रिवर्सल रहेगा, और अगर रिवर्सल आता है तो किन लेबल्स के बाद इनमें वापस हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, होल्ड करना है या एग्जिट करना है। इन सारी बातों को हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको यही कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं इन पाँच बर्निंग शेयर्स के बारे में, और जिसमें नंबर पहला शेयर है जो हम बात करेंगे आज, नंबर वन पे है इक्विटास। आज 19% डाउन है इक्विटास, ये फिनेंस सेक्टर का स्टॉक। और हम सभी को पता है बैंकिंग, फिनेंस, हाउसिंग फिनेंस सेक्टर सभी बुरी तरह से पिट रहे हैं इस वक्त, और इक्विटास में आज लगभग 19% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। क्या सिचुएशन रहने वाली है, आज गैप डाउन में खुला था, और अगर आज देखेंगे इक्विटास ने अपना लो हिट किया है, वो है 92.30 रुपीज़ का, यानी कि एक बड़ा लो हिट किया है। एक बिग वॉल्यूम के साथ स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 1,36,00,000 शेयर्स के आसपास वॉल्यूम के साथ एक गिरावट है, जो कि एक वीकनेस को इंडिकेशन दे रहा है। और फिलहाल अगर आज की क्लोजिंग अगर इक्विटास की ब्लो 105 के लेवल पर रहती है, देन ये एक बिग वीकनेस रहेगी। ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पे इस वक्त चल रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है इक्विटास में आपको वापस 90-85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी की होल्डिंग्स है इक्विटास के अंदर, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, देखिए फिलहाल हम लोग फंडामेंटली बात नहीं करेंगे, लेटर ऑन किसी और वीडियो में हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर जिक्र करेंगे। बट फिलहाल टेक्निकली स्टॉक में जो वीक नज़र आ रहा है, डेली और वीकनेस इंडिकेशन आ रही है, जो कि 92 इसका लो है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में एक जर्क आया गिरावट का, तो ये वापस 90 से 92 का लेवल हिट कर सकता है। ओवरऑल वीकली पर भी आप देखेंगे कि आज चूंकि फ्राइडे का सेशन है, और आज की जो क्लोजिंग है वो जो सपोर्ट लेवल था 112 का, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 112 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, देन पॉसिबिलिटीज हम रख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में अगर कुछ तेजी की उम्मीद आती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ हिट करेगा, अदरवाइज लोअर लो का पैटर्न ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इक्विटास में अभी आपको 90-95 के लेवल देखने को वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा उज्जीवन लगभग 16% डाउन हुआ है, ये भी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें भी एक भारी गिरावट है। निवेशक इस समय बहुत परेशान है, और यहाँ पर भी इंडिकेशन जो ट्रेंड का आ रहा है वो कंटिन्यूसली फॉल का है। लगभग 184 का लेवल इस वक्त चल रहा है वीकली चार्ट पे। ऑल टाइम लो जो इससे पहले था वो तकरीबन 211 रुपीज़ का था, जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। अगर ये काउंटर आज 215 के ऊपर की क्लोजिंग देता है एट द एंड ऑफ द डे, देन आप उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि ये काउंटर में एक थोड़ी तेजी आने वाले समय में मिलेगी। अदरवाइज आपको ये काउंटर भी एक और लोअर लेवल पे लेके जा सकता है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर की जो गिरावट है वो इस आज इसमें भी देखेंगे एक गैप डाउन का पैटर्न खुला है, और तकरीबन जो लो हिट किया था 177 का लो हिट किया है। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में अभी और वीकनेस रह सकती है, आपको 170 से 175 के लेवल स्टिल इस काउंटर में अभी वापस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने उज्जीवन के बारे में बात की, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये। इन्फीबीम के बारे में मैंने कल ही आपको वीडियो अपलोड किया था, जिसने 85% जो वेल्थ थी, जो पैसा था निवेशकों का, उसको बर्बाद कर दिया केवल एक व्हाट्सएप मैसेज के चलते। और आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मार्केट है, जहां पर एक व्हाट्सएप का मैसेज केवल एक स्टॉक की 85 से 90% वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस तरह के काउंटर्स के लिए बहुत ही रिस्की रहता है, और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब कौन सा काउंटर एकदम से सडन फॉल देगा। एक ही दिन में लगभग 70% का फॉल दिया था इस काउंटर ने, और फिलहाल मुझे इस काउंटर का जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आता है वो लगभग 20 रुपीज़ का नज़र आता है दोस्तों। ऑल टाइम लो पे चल रहा है फिलहाल काउंटर में, अभी फिलहाल मुझे किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, और अपकमिंग डेज में मुझे ये काउंटर 15 से 20 रुपीज़ की रेंज में भी दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए इन्फीबीम ये भी एक बर्निंग शेयर है। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन, किसी तरह की कोई एज सच बैड न्यूज़ नहीं है कंपनी की, बट स्टॉक ने एक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है। अपना हाई लगभग 1242 रुपये का हाई था 18 मई 2018 के वीक में, अगर हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो ठीक 15 मई को इसने लगभग 1240-1242 के आसपास का टारगेट हिट किया था, एंड उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।
और आज भी स्टॉक जो काउंटर है वो लगभग 2% नीचे 373.65 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी गिरावट आ चुकी है, बट अभी अगर हम लोग काउंटर के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग सपोर्ट्स भी एक बार देखेंगे। फिलहाल कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि जो बड़ा सपोर्ट था काउंटर का वो 423 रुपीज़ था और एक बार 423 रुपीज़ टूट चुका है चुकी अब, और अब यहाँ से कितना नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल अगर मार्केट में अगर रिवर्सल आ जाता है, तेज़ी अगर मार्केट में नवंबर मंथ से आ जाती है, तो स्टॉक में प्रॉब्ली रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि काउंटर आपको 350 तक के लेवल दिखा सकता है। सो ये दिलीप बिल्डकॉन के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग दोस्तों, ये उन लोगों के लिए एक सीख है जो लोग स्टॉप लॉस को मजाक समझते हैं, जिनको ये लगता है कि स्टॉप लॉसेस लॉन्ग टर्म की पोजीशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं होते। दोस्तों जब भी आप चाहे लॉन्ग टर्म पोजीशन लीजिए चाहे शॉर्ट टर्म पोजीशन लीजिए, कहीं ना कहीं तो आप काउंटर के अंदर के रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलेंगे कि भाई इतना इससे ज़्यादा का रिस्क मैं इस काउंटर में बियर नहीं कर सकता। और इन एनी केस अगर ये काउंटर मुझे इतना रिस्क दे रहा होगा इन एनी डे, तो मैं इस काउंटर से एग्जिट कर जाऊँगा। बट लोगों को लगता है कि अगर आज काउंटर हमें 10,000 का नुकसान दे रहा है तो कल को रिवर्सल आ जाएगा। आपने जो काउंटर में अगर रिस्क आपने 5,000 का सेट किया हुआ है, ऑलरेडी आपको काउंटर 10,000 का नुकसान दे रहा है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। बट लोग एग्जिट नहीं करते क्योंकि वो लॉस लेने से डरते हैं। इस मार्केट का एक ही नियम है दोस्तों कि अगर आप छोटा लॉस ले लेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो आपको बड़े लॉसेस बियर करने ही पड़ेंगे चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो बॉम्बे डाइंग लगातार कंटिन्यूसली लोअर सर्किट हिट कर रहा है, 82 रुपीज़ आ चुका है, अपना हाई लगभग 285 के आसपास का हाई इसने टच किया था। किस दिन टच किया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 9th मई को इसने 321 का हाई टच किया था, और अब काउंटर जो कंटिन्यूस लोअर सर्किट हिट कर रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर हम लोग वीकली चार्ट पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है काउंटर का वो तकरीबन आता है 69-70 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ से काउंटर अभी 70 तो जाएगा ही जाएगा। 70 रुपीज़ के बाद अगर वहाँ से रिवर्सल उम्मीद रहती है, अगर वहाँ से कुछ अपसाइड आता है देन वेरी गुड, अदरवाइज इस काउंटर में जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो लगभग 40-45 की रेंज में रहने वाले हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए बॉम्बे डाइंग के अंदर आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि अगर इसमें लोअर सर्किट ओपन होता है और एक उसके बाद कुछ हो सकता है कि कुछ अपर सर्किट हिट हो, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या आपको काउंटर के साथ बने रहना है या आपको सेल ऑन राइज करना है। तो दोस्तों ये थे वो 5 बर्निंग शेयर्स जिन्होंने निवेशकों के सारे पैसे को जला के रख दिया है, और यहाँ पर आप इन 5 स्टॉक्स के काउंटर्स के बारे में मैंने बताया, जहाँ पर उज्जीवन फाइनेंस और इसके अलावा जो इक्विटास है उनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। उज्जीवन फाइनेंस, इक्विटास और जो ये आपका DBL, ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन, इन 3 काउंटर्स में तो उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि मार्केट के रिवर्सल के साथ में तेजी आ सकती है। बट बॉम्बे डाइंग और इन्फीबीम में मुझे आप किसी भी तरह की होप बाकी नज़र नहीं आती। सो गाइस, ये हमने बात की इन 5 बर्निंग शेयर्स के बारे में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।